हम उपस्थित है जिला सहरसा के नवट्टा प्रखंड में। इस टाइम हमारे साथ यहाँ के प्रमुख समीम जी से बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से बाढ़ राहत तक जो है राहत का सामग्री पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से सामूहिक किचन का गुणवत्ता चेक किया जा रहा है, किस तरीके से तिरपाल वगैरह चेक किया जा रहा है, जो लोग अंदर फंसे हैं किस तरीके से उनकी भी मदद की जा रही है। हमारे यहाँ जो किचन सेट चल रहा है, हम लोग टाइम टू टाइम उस किचन का जा करके मुआयना करते हैं, देखते हैं किस तरह के खाना दिया जा रहा है। और हम आम पब्लिक और भी लोगों को कहते हैं कि आप भी जा करके वहाँ पे देखिए, और जो लोग वहाँ पे पीड़ित परिवार, बाढ़ पीड़ित परिवार खाना खा रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग अपना नंबर दे चुके हैं कि अगर आपको खाना सही ढंग से नहीं मिल रहा है तो आप इमिजिएटली तुरंत वहाँ से कॉल करें और हम उसे हिदायत देंगे, वो सुधार करेगा और कर रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है जहां तक रिपोर्ट हम लोगों को मिल रही है। और रही बात के सामग्री पहुंचाने का, तो 2 दिन तो हम लोग नाव से भिजवाए हैं, तीसरा दिन भी भिजवा रहे हैं, लेकिन पानी अब कम गया, अब थोड़ा दिक्कत हो रहा है नाव से पहुंचाना। दूसरी बात कि अगर पश्चिमी बांध से अगर भिजवाते हैं तो वहां भी फ्लड आया हुआ है, बांध टूटा हुआ है, तो गाड़ी का भी कम्युनिकेशन अंदर तक नहीं जा पा रहा, फिर भी हम लोगों को नाव का सहारा लेना ही पड़ रहा, किसी तरीके से हम लोग भेज रहे हैं अंदर में। तो सरकार ने जैसे घोषणा किया है कि 7,000 रुपया मिलेगा जो बाढ़ पीड़ित है, तो उनको किस तरीके से आप लोग के पास फोन कॉल्स आ रहे होंगे, किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे और कैसे आप लोग डेटा कंप्लीट कर रहे हैं? ये हम लोगों का पहले से भी सूची बना हुआ, लेकिन पहले वाले सूची में कुछ गड़बड़ी था, पकड़ा गया था, उस सभी को हम लोग निकाल रहे हैं, छाट रहे हैं, और नया जो नाम छूट गया था उस सभी नाम को जोड़ करके हम लोग कंप्लीट हैं, तैयार हैं। जैसे ही सरकार का निर्देश होगा वहां से मांगा जाएगा, हम लोग उस सूची को लॉड करेंगे, और 7,000 रुपया प्रत्येक परिवार को, एक परिवार जो 2, 3, 4 बच्चे छोटे हैं वो मिला के एक परिवार होता है, प्रत्येक परिवार को 7,000 रुपया दिया जाएगा। और हम अभी फिर कृषि से संबंधित जो है फसल सुरक्षा के लिए, जो मान लीजिए फसल जो क्षति हुआ है उसका मुआवजा का हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि बांध के अंदर में रहने वाले सभी किसान को जो है सो फसल का जो है सो मुआवजा मिले, क्योंकि उन लोगों के पास जितना भी फसल था सब दह चुका है इस बाढ़ में। इस बार क्या अंदर से कोई कॉल्स वगैरह आ रहे हैं कि कुछ लोग फंसे वगैरह हैं, उनको बाहर निकलना चाहते हैं, नाव वगैरह भेजिए, कुछ फोन आते हैं अंदर से? नहीं, जिस समय में पानी थी उस समय में जो है सो बहुत सारे कॉल आते थे, हम लोग एक कंट्रोल रूम बनाए हुए थे, नंबर दिए हुए थे, वायरल किए हुए थे, उस पे सब कॉल आता था, हमारे ऊपर भी, सीओ के मैडम के ऊपर भी, वीडियो साहब के ऊपर भी, जिसके भी नंबर पे आता था तो हम लोग फौरन उसको रिस्क कवर करते थे, लेकर के तो नाव से हो या हमारे एसडीआरएफ की टीम थी, 5 मिनट में उसके पास पहुंच जाते थे हम लोग। अभी देख रहे हैं जैसे जिस तरह से चूड़ा मुड़ी वगैरह का जो बांट रहे हैं, बहुत लोगों जाके कई बार हमें पब्लिक कंप्लेन भी करती है, ये किस तरह का खाना दे रहे हैं, हमें भी वहां पे जाते हुए शर्म आ जाता है सर। नहीं, खाना का कंप्लेन कहीं से भी नहीं है, खाना जो है सो बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है, कंप्लेन अभी तक नहीं आया कहीं भी। हम अपने जितने भी सामुदायिक किचन है या एमडीएम वाले जो हर जगह चला रहे हैं, ठेला पे, रिक्शा पे, कहीं से भी शिकायत इस तरह की नहीं आ रही है कोई भी, क्योंकि हम लोग बराबर घूम रहे हैं। अगर इस तरह की बात है कहीं भी तो हम बोल रहे हैं उन लोगों का। दूसरा बात के फूड पैकेट, तो फूड पैकेट ऊपर से ही, जिला से ही हम लोगों को कम आ रहा है, वो जिसके लिए हम भी एतराज कर रहे हैं कि जिस हिसाब से हम लोगों को दिया जा रहा है तो खुद शर्म लग रहा है कि हम लोग उसके दरवाजे तक लेकर के जा रहे हैं, तो खुद अपने आप में तकलीफ हो रही है कि ये लेकर के हमको नहीं जाना चाहिए था। इसमें और भी कुछ नहीं थे, चावल दाल जो बनता है उस हिसाब से चना हो रहा है वो नहीं है, बहुत कम, उसका क्वालिटी बहुत कम कर दिया है। एक तरीके से जिला प्रशासन का साथ मिल रहा है, एसडीओ सर वगैरह आ रहे हैं, डीएम सर वगैरह कॉल करते हैं, साथ उनका मिल रहा है प्रॉपर? जिला प्रशासन हो या मेरे प्रखंड का प्रशासन हो, जो भी हो, वो हर हमेशा जो है सो आम पब्लिक के साथ है और सहयोग मिल रहा है डेली। लगभग हमारे एसडीओ साहब भी आ रहे हैं हर 4 दिन, 5 दिन पे, 2 दिन पे डीएम साहब भी आ रहे हैं, और बाकी पदाधिकारी, डीसीएलआर साहब और बाकी एडीएम साहब सब आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, उसमें नहीं है कहीं से भी कॉल जाता है उनको, फौरन जहां दिक्कत होती है वो आकर के सॉल्व करते हैं हम लोगों के साथ। आज भी जो है बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार दिलीप जायसवाल, और पिछले दिनों भी काफी मंत्री आए, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, जिसमें पप्पू यादव, चिराग पासवान और नीरज सिंह बबलू और भी कई तरह मंत्री आए। हाँ, अभी मालूम ही है कि बिहार सरकार के जो है सो मंत्री, राजस्व मंत्री जो है सो आ रहे हैं, श्री दिलीप जायसवाल जी। अभी हम लोग भी ब्लॉक से
बांध पे जाएंगे और उनको कम्युनिटी किचन और जहां जहां हमारा वितरण हो रहा है वो जाना चाहेंगे तो वो उनको ले जाएंगे, दिखाएंगे हम लोग। पिछले दिनों जो कहीं सारे मंत्री आए, चाहे चेटा जी हो, चाहे पप्पू जी हो, और भी कहीं सारे, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे? नहीं, हम तो सभी जन प्रतिनिधि और सभी पदाधिकारी को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि उन सबों का सहयोग है। आज जो भी यहाँ पे हो रहा है, हम लोग, हमारे यहाँ जो बांध नहीं टूटा वो सभी का सहयोग है। सब तत्पर रहे, एकदम एक कॉल पे सब एकदम अपने जगह पे पहुंच जाते थे और काम को पूरा कर देते थे। मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ, खास करके हम अपने नवट्टा प्रखंड के बांध के किनारे रहने वाले आम अवाम जितने भी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कंधे पे बोरी उठा उठा करके जहाँ पे बांध टूटने का थोड़ा सा भी लगा या कटनिया लगा हुआ था उसको उन लोगों ने अपने से किया है। बाद में हमारी प्रशासन या खबर करने के बाद आई, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उस समय में हमारे ग्रामीण ही ने किया है, बांध को रक्षा किया है। मैं सबों का धन्यवाद करता हूँ, सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। बाकी समृद्धि किचन में गुणवत्तापूर्ण सभी को खाना दिया जा रहा है, दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, सभी तरह का खाना पहुंच रहा है और सभी ग्रामीण में खुशी का लहर है। जिला सहरसा से रंजन जसवा की रिपोर्ट। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो दो बार ब्रश करें, सुबह और रात में खाने के बाद।